तो ये इसमें इसमें दो एक्सलेशन दिया हुआ है, ये वी टू है और वेलोसिटी है, ये वी वन है और ये वी टू है, दो वेलोसिटी है और दो ब्लॉक्स है। तो हमें बेसिकली वी वन वी टू को रिलेट करना है। तो अगर मुझे वी वन वी टू को रिलेट करना है तो ऑब्वियसली देखो, अभी मैं बताया है आपको रिलेट करने के लिए, सबसे पहले टेंशन देखो। तो ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है, ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग हुई जो है, इसमें मैं टेंशन टी ले लेता हूँ, तो इसमें भी टेंशन टी आ जाएगा और इसमें भी टेंशन टी आ जाएगा और इसमें भी टेंशन टी आ जाएगा, इन सभी में टेंशन टी है, ठीक है। तो इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगा टू टी, ठीक है, और इसमें आ जाएगा टू टी, ये वाले टेंशन डिनोट कर दिया हमने। अगर मैंने इस ब्लॉक पे देखोगे तो टू टी ऊपर लगेगा और ये भी टू से नीचे जा रहा है, ठीक है, और इस पे इस वाले पे टेंशन टी ऊपर लगेगा और ये किधर जा रहा मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो मैं इसको ऊपर मान लेता हूँ भी वन से, अगर प्लस आएगा तो मेरा जंक्शन सही होगा, ठीक है। तो चलो, अगर मैंने इसको ऊपर मान लिया तो ये आ जाएगा भी वन टी, क्लियर है, ऊपर प्लस टी, और ये अगर नीचे जा रहा है तो माइनस भी टू टू टी, माइनस भी टू टू टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो वी वन की वैल्यू आ जाएगी वो प्लस टू टी टू वी टू के इक्वल आ जाएगी, जो कि प्लस आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सही हूँ कि ये ऊपर जा रहा है। अगर मान लो नीचे जाता तो मैं इसको नीचे मान लेता तो सॉल्व करता तो वो निगेटिव आता, इसका मतलब ये हुआ कि मैं गलत हूँ, ठीक है ना। अगर आपको सॉल्व करते हो कोई भी चीज़, ठीक है, मैकेनिक्स में इधर वेलोसिटी एक्सलेशन निकालते हो, सॉल्व करते हो, बाद में वो प्लस टेन आ जाता है, इसका मतलब आप सही हो, अगर जिधर माने थे उधर ही जा रहा है, ठीक है। ये तो ये नेक्स्ट